गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि सर आपने लास्ट लेक्चर में बोल दिया कि जो फोटोन है वो फोटोन के पास ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कई बार वो ऐसे पार्टिकल काम करेगा और कई बार वो ऐसे वेव फॉर्म काम करेगा। यही चीज द ब्रोगली ने देख ली और द ब्रोगली ने बोला कि अगर ये वेवलेंथ है, सॉरी वेव है, तो उसके पास अपनी वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर ये एज अ पार्टिकल काम करेगा तो उसके पास अपना मास होना चाहिए। तो रियल लाइफ में क्या हो रहा था कि जो वेवलेंथ है उसके पास भी मास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है उसके पास भी अपनी थोड़ी बहुत वेवलेंथ होनी चाहिए। तो यही चीज समझते समझते उन्होंने बोल दिया लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम। क्या बोल दिया? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम। जैसे बात आगे करते दोस्तों, तो लैम्डा हट जाएगा, प्रोपोर्शनल हट जाएगा, एच आ गया। आप सब जानते हो एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। यानी दोस्तों ये तो वैल्यू पक्की है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। अब तो सर लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम की जगह आप सब जानते हो 11th स्टैंडर्ड लैम्डा इज इक्वल टू एम बाय वी। यानी मैंने ये बोल दिया कि लैम्डा, सुनना दोस्तों, ये मास इन्वॉल्व हो गया और ये वेलोसिटी इन्वॉल्व हो गई। क्या समझ में आया दोस्तों? आप समझ सकते हो कि जिसका मास ज्यादा होगा, रिपीट, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूटेरॉन है और अल्फा पार्टिकल है। तो अगर मैं मास की बात करूं तो आप सब जानते हो मास ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन ड्यूटेरॉन, ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का मास है, इन चारों में किसका मास ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल। जिसका मास ज्यादा हुआ ना दोस्तों, वेलोसिटी उल्टी हो गई, सॉरी वेवलेंथ उल्टी हो गई। वेवलेंथ ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन की वेवलेंथ ड्यूटेरॉन से ज्यादा है, ड्यूटेरॉन की वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है। तो ये चीज कोई थियरम में नहीं है दोस्तों, ये आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे तब आपको बहुत ही मजा आएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। बच्चों ये तो आपने सीख लिया, आपके माइंड में द ब्रोगली भी क्लियर हो गया, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। पर सर ये सही कि गलत वो तो प्रूव करो। तो वो चीज प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे कि आप सब जानते हो E इज इक्वल टू पीसी, जो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बोला। अगर मैं E की जगह अगेन आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट बोलूं तो E इज इक्वल टू HF या फिर HNU बोल सकते हो। चलो अगर मैं इसमें से P को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या लिख सकते दोस्तों? इसमें से P को सब्जेक्ट बना, इसका मतलब P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा। अगर मैं HNU लिख दूं, H by lambda लिख दो, देखो दोस्तों क्या मिल गया। सर ये HH कट हो गया, ये सामने ले जाओ तो C is equal to mu lambda। सर ये तो प्रूव हुआ इक्वेशन था, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स C is equal to mu lambda या फिर F का फ्रीक्वेंसी बोलो, तो इसका मतलब C is equal to F lambda। यानी द ब्रोगली ने जो बोल दिया दोस्तों वो पक्का बोल दिया, सही बोल दिया, जो हमारे एमसीक्यूज में काम में आने वाला। इसके अलावा कोई मेरे को बोले कि सर ये आपने प्रूव कर दिया, आप सब जाते देखना क्या मजा आएगा। सर ये प्रूव तो हो गया, मैं सीधी सी बात बोलू कि मेरे को इसके हिसाब से, सुनना, इसके हिसाब से लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा दोस्तों मैं आपको ट्राई करने के लिए बोल दूं। आप सब जानते हो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, थोड़ा बहुत सोचो, या फिर पी स्क्वायर बाय 2m। थोड़ा बहुत सोचो कि इसमें से P को सब्जेक्ट बनाओ और P की वैल्यू अपने लैम्डा वाले में पुट कर दो, तो भी हो सकता है।
ये ट्राई करने के लिए, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। पढ़ा ये द प्रोबेबिलिटी था वो सही हो गया। अब हाइजेनबर्ग ने बोला अनसर्टेनिटी। सो क्या बोला? अनसर्टेनिटी यानी क्या? एक बात बोलते हैं, जब वेवलेंथ घूमेगा, जब फोटोन मूवमेंट करेगा, तो उसके पास दो चीज होगी, अपनी पोजीशन। अगर मैं उसकी पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर दूं तो एक्स बोल दूं, और दूसरा होगा उसका लीनियर मोमेंटम यानी पी। ये हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि इसकी अनसर्टेनिटी को आप डेल्टा एक्स बोल दो और लीनियर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को डेल्टा पी बोल दो। सर ये दोनों इनवर्सली प्रपोजल है, इसका मतलब ये अगर टेंस टू जीरो है यानी पोजीशन फिक्स है तो लीनियर मोमेंटम फिक्स नहीं है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। कोई मेरा दोस्त बोले नहीं सर मैं डेल्टा पी के अंदर एकदम परफेक्शन लाने वाला हूं, सर्टेनिटी लाने वाला हूं, तो आपकी पोजीशन अनसर्टेनिटी हो जाएगी। यानी आप दोनों में से एक को फिक्स करना ट्राई कर रहे हो, एक को लगातार परफेक्ट की तरफ ले जा रहे हो, तो दूसरा पोर्शन आपको उल्ट बना रहा है, दूसरा पोर्शन धीरे धीरे अनसर्टेन हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के साथ कुछ है रिलेशन। तो डेल्टा एच इंटू डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली दोस्तों एच कट, ये एच कट या क्रॉस एच को मैं अच्छे से लिखूं तो आप सब जानते हो एच बाय टू बाय। दोस्तों याद रखना ये फॉर्मूला एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये हाइजेनबर्ग ने बोल दिया ये यूज तो बहुत ही होगा, आपने बोला है तो इसका मतलब ये कहीं पे यूज होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की बात करूं तो आप सब जानते हो कि उसका वेवलेंथ ऐसा कुछ ज्यादा है। देख सकते हो वेवलेंथ भी अनसर्टेन है, पोजीशन भी अनसर्टेन है। सर अगर मैं वेवलेंथ को फिक्स करूं, देखो ये सेम वेवलेंथ वाला वेव ले लूं, इसका मतलब वेवलेंथ मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया। अगर मैं वेवलेंथ कॉन्स्टेंट कर रहा हूं तो मेरा डेल्टा पी टेंस टू जीरो हो गया, क्योंकि मेरा पी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। लीनियर मोमेंटम भी धीरे धीरे आप फिक्स कर रहे हो, यानी आप लीनियर मोमेंटम के अंदर फिक्स ला रहे हो, तो क्या मिला? डेल्टा एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यानी आपको पोजीशन फिक्स नहीं मिलेगी, हाँ वो अनंत मिलेगी। इसीलिए दोस्तों आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन के लिए उसका पोजीशन नहीं होता, वो ऐसे कोई एक याद करो क्लाउड के बीच में आपको मिल सकता है, यानी आप उसी उसकी पोजीशन का परसेप्शन करते हो कि हाँ यही मिल सकता है, ऐसा नहीं बोलोगे कि यही पॉइंट पे मिलेगा। बोलो कितनी मजेदार बात बोल दी है हाइजेनबर्ग ने। अंदर हाइजेनबर्ग ने बहुत ही कंसेप्चुअल बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि एक टर्म को आप परफेक्ट बना रहे हो तो दूसरा टर्म इम्परफेक्ट जा रहा है, यानी अनसर्टेन हो रहा है। दोस्तों ये थोड़ा पक्का रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। देखो दोस्तों दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक द ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग।